हे गाइस, आज इन लॉस में दोस्तों, इससे पहले मैं आपको ऑलरेडी दो प्रोग्राम बनवा चुका हूँ। पहला प्रोग्राम था क्या, हेलो फ्रॉम द पब्लिशर, दूसरा बनाया था हम कैलकुलेशन के लिए, और तीसरा आज हम बनाएंगे इन ऑड के लिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम है आपका स्वैपिंग के लिए, तो उसको आपको पहले ट्राई करना है, मैं आज जब समझा दूँ, उसके बाद आपको कमेंट करना ही नहीं बना पा रहे हैं, और उसके बाद हम फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं इवन ऑड प्रोग्राम का लॉजिक क्या होगा। तो सबसे पहले आपको एक पब्लिशर लेन बनाना है नोड। पब्लिशर नोड में आपको वहाँ पे टॉपिक बनाएंगे, उस टॉपिक में आप कोई भी एक नंबर को मतलब भेजेंगे, यूजर की सहायता से भी ले सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जब चला जाएगा वो सब्सक्राइबर उसको सब्सक्राइब करेगा, और उसके बाद सब्सक्राइबर उसको चेक करेगा डिवाइड बाई टू करके कि रिमाइंडर जीरो आ रहा है या नहीं। अगर जीरो रिमाइंडर आ रहा है तो वो इवन है, अगर नहीं आ रहा है तो ऑड। ये सिंपल वे है सिर्फ इवन ऑड निकालने का, और भी वे है, मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप बिल्कुल बेसिक से लेकर चलने की कोशिश है। तो देखो, ये मैंने आपको समझाया, पहले क्या करना, पब्लिश आ एनी नंबर एट टॉपिक, कोई भी एक टॉपिक में कोई भी एक नंबर को पब्लिश करिए, फिर सब्सक्राइब करिए उस नंबर को, और चेक करिए वो नंबर डिवाइड बाई टू है, डिवाइड बाई टू मेरे मिंडा जीरो है, सो नंबर इवन है, अदरवाइज वो नंबर ऑड है। तो चलिए हम कोड की तरफ बढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कोड लिख के रखा है, इसको आपको समझना है, कॉपी पेस्ट बाद में करना है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है, और उसके बाद आपको चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश करनी है मेरे साथ में। तो सबसे पहले लाइन का मतलब आपको पता होगा, मैंने जैसे कि पहले बताया था हैज, और इसके बाद मैं उसके साथ डज नॉट इक्वल टू असाइन किस लिए लगाता हूँ, ये आप अच्छे से जानते हैं। डज नॉट इक्वल टू ऑल का मतलब होता है वो इस एनवायरमेंट को सेटअप करने के लिए, फिर स्लैश यूजर मतलब उस यूजर फोल्डर के अंदर चले गए, फिर इसके बाद स्लैश बिन उस बिन फोल्डर के अंदर चले गए, और उसके बाद स्लैश पाइथन थी हम उस पाइथन 3 फोल्डर के अंदर चले गए, और पाइथन 3 का मैंने पूरा एनवायरमेंट सेटअप कर लिया। पहले लाइन का मतलब ये होता है एनवायरमेंट सेटअप के लिए, दूसरा लाइन का मतलब होता है इंपोर्ट रॉस्पाई। इंपोर्ट रॉस्पाई, हमने रॉस्पाई पैकेज को इंपोर्ट कर लिया है जो हमें इन फ्यूचर में जरूरत पड़ने वाला है। हमने इंपोर्ट रॉस्पाई एक पैकेज को लिया, और उसकी लाइब्रेरी हमें अब जब जरूरत होगी उन सारी लाइब्रेरियों को हम टाइम टू टाइम यूज करेंगे। फ्रॉम stdmsgs.msg मतलब stdmsgs मतलब एक स्टैंडर्ड मैसेज की लाइब्रेरी बनी हुई है, पैकेज बना हुआ है, वहाँ पे सारे बहुत सारे डेटा टाइप रखे हुए हैं, और साथ में उसकी फील्ड मेंशन हुई है, जो हम फील्ड हमारी है सभी डेटा टाइप के लिए डॉट डेटा नाम की, जो हम डॉट डेटा लगा के यूज करते हैं। इससे पहले भी मैं आपको बताया, आप पर मुझे इसमें बहुत सारे डेटा टाइप के, सारे तो मुझे चाहिए नहीं, तो फिर int32 चाहिए, यानी int32 इंटीजर टाइप का नंबर होगा, 32 बिट में हम लिख सकते हैं, मतलब मैक्सिमम 32 बिट आप 2 की पावर 32 लिखा लेंगे, इतने नंबर हम लिख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक फंक्शन डेफिनेशन बनाई है, तो मैंने लिखा रॉस्पाई डॉट इनिट नोड। याद रखना, मैंने आपको पहले भी बताया था इनिट नोड का मतलब होता है इनिशियलाइजेशन नोड, और इनिशियलाइजेशन नोड को किसी भी टॉपिक में डेटा पब्लिश करने से पहले या डेटा सब्सक्राइब करने से पहले करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम मान लो डेटा हमें पब्लिश करना है, को कहाँ पे पब्लिश करना, हम टॉपिक में पब्लिश करेंगे, ठीक है, ये बात तो सही है, पर कौन पब्लिश करना, नोड कोई पब्लिश करेगा ना डेटा, इसलिए पहले हम इनिट नोड को लेकर आते हैं। और ऐसे ही रॉस्पाई डॉट सब्सक्राइब में जब हम सब्सक्राइब करते हैं, तो वहाँ पर हम डेटा को सब्सक्राइब तो कर रहे हैं किसी एक टॉपिक से, बट वो डेटा कौन सा नोड सब्सक्राइब कर रहा है, इसलिए उसमें रॉस्पाई डॉट इनिट नोड दोनों जगह पर पहले लिखना होता है। ठीक है, तो रॉस्पाई डॉट इनिट नोड, अब हमने बताया था इनिट नोड में दो पैरामीटर होते हैं, पहला होता है नोड नेम, दूसरा होता है एनोनिमस इक्वल टू ट्रू। तो मैंने यहाँ पर लिखा नोड नेम, नोड नेम है मतलब मेरा नोड 6, और एनोनिमस इक्वल टू ट्रू यानी उस नोड को मैंने पूरे सिस्टम में यूनिक बनाया है। अब इसके बाद मैंने लिखा रॉस्पाई डॉट पब्लिशर, रॉस्पाई क्या था, पैकेज था, डॉट पब्लिशर उसकी एक लाइब्रेरी है। अब मुझे यहाँ पर भी तीन पैरामीटर देने होते थे, एक कि किस टॉपिक में मैं डेटा पब्लिश करना चाह रहा हूँ, दूसरा वो डेटा किस टाइप का होगा, और तीसरी उसकी साइज क्या है। तो मैंने यहाँ पर पहले लिखा टॉपिक नेम, टॉपिक 4, और यहाँ पर डेटा टाइप, मैंने किस टाइप के डेटा को भेज रहा हूँ, और साथ में उसकी क्यू साइज मेंशन की, यदि मेरा डेटा होल्ड में जा रहा है तो होल्ड में रखने के लिए ये करते हैं। अब मैंने इसको एक इसी वेरिएबल में स्टोर कर लिया कि मुझे ये कोड बार बार ना लिखना पड़े, तो मैंने पब नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया, और इसका मैं यूज करूँगा। अब रेट मैंने बताया रॉस्पाई डॉट रेट, यहाँ पर एक टाइम में दो मैसेज दिखेंगे, 200 होता है, बट मैं यहाँ पर एक टाइम में दो मैसेज दिखेंगे। अब इसको स्टोर कर लिया, हर दो मैसेज बाद ये स्लीप हो जाएगा, बट जब तक हमें बाहर का टर्मिनल कमांड नहीं मिलेगा, ये चीज़ अपने आप को ऑटोमेटिक कराती रहेगी। व्हाइल नॉट रॉस्पाई शट डाउन,
मैंने इसको एक वेरिएबल, ये फंक्शन की तरह काम करेगा, तो मैंने बनाया वेल डॉट डेटा। अब इसमें मैंने इंट लिखा, ये क्योंकि इनपुट जो फंक्शन होता है बाई डिफॉल्ट स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू लेता है, तो मैंने इंट फंक्शन लिया, तो जो वैल्यू हो आएगी स्ट्रिंग टाइप की आएगी जो हम यूजर देगा, और इनपुट मतलब होता है इनपुट फंक्शन होता है यूजर से वैल्यू लेने के लिए, और इंट यहाँ पहले मैंने एक टाइप कास्टिंग की, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू आएगी जो यूजर देगा, क्योंकि जो वैल्यू भी दोगे स्ट्रिंग बन जाएगी बाय डिफॉल्ट, ये है पैरामीटर इनपुट फंक्शन में। अब उसको इंटर बनाया, मैं टाइप कास्टिंग की इंटीजर टाइप का नंबर बनाया, वेल डॉट डेटा मैंने बताया था, वेल मैंने फंक्शन बनाया, डॉट डेटा यानी ऑब्जेक्ट वाला होता है कॉन्सेप्ट, फंक्शन से समझिए, वेल डॉट डेटा, वेल में अब डॉट डेटा, मैंने डॉट डेटा बताया था फील्ड होती है, उसकी सहायता से मैंने उस पर वैल्यू डाली। अब उस वैल्यू को मैंने पब डॉट पब्लिश से उसको पब्लिक कर दिया। अब रेड डॉट स्लिप यही है कि उस हर 2 सेकंड बाद वो अपने आप को स्लिप कर देगा। ये है इवन आउट का पहला प्रोग्राम जो पब्लिश करेगा डेटा। अब दूसरा है सब्सक्राइब करने का डेटा, तो इसको समझना है। पहले 3 लाइन का मतलब अब मैं नहीं बताऊंगा। यहाँ पर फिर मैंने फंक्शन को कॉल किया, मैंने कहा था कभी भी डेटा को सब्सक्राइब करने से पहले हमें क्या करना है, इनिट नोट करना है। मैंने नोट का नेम दिया नोट 6 एनोनिमस इक्वल टू 2, अभी बता चुका हूँ ये यूनिक करने के लिए होता है। अब रॉसपाई डॉट सब्सक्राइबर, रॉसपाई क्या है, पैकेज है, डॉट सब्सक्राइबर एक लाइब्रेरी है, उसकी सहायता किस कौन से टॉपिक को डेटा को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, यहाँ पर टॉपिक 4 के डेटा को मैं सब्सक्राइब करना चाहता हूँ, तो यहाँ मैंने टॉपिक 4 के डेटा को सब्सक्राइब किया। किस टाइप के डेटा को सब्सक्राइब करना चाह रहा हूँ, इन 32 टाइप के डेटा को सब्सक्राइब करना चाह रहा हूँ। कॉल बैक, यहाँ पे कॉल बैक किया, कॉल बैक के अंदर यहाँ पे एक पैरामीटर है, पैरामीटर है डी। अब डी डॉट डेटा का जो वैल्यू जो आएगा उसको वेल में स्टोर करा, अब उसको मैंने चेक करा, ये नंबर डिवाइड बाई टू पे रिमाइंडर 0 आ रहा है तो नंबर इवन है, नहीं आ रहा है तो ऑड है। अब यहाँ पे प्रिंट और लॉग इन इन्फो फंक्शन के बीच में आपको मैं डिफरेंस बता रहा हूँ। प्रिंट, प्रिंट फंक्शन नॉर्मल बताया गया नंबर इज इवन और ऑड, बट डॉट लॉग इन इन्फो आएगा, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देगा यानी कुछ इन्फो आएगी। तो आपको मैं इसको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, ये कोड आपको शायद भर मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, तो चलिए इसको टर्मिनल में रन करने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको बताया था कैसे पहले इसको क्या करना होता है, मैंने आपको बताया था क्या करना होता है, एक्जीक्यूटेबल बनाना होता है, तो कैसे करेंगे आपको बता चुका हूँ, फिर भी अभी आपको डाउट है तो जरूर कमेंट करिएगा, मैं अगली वीडियो में फिर से एक बार बता दूंगा। तो सबसे पहले क्या करना चलाना होता था, ऑस्को वैल, आपको याद होगा रॉस्को मेरा चल चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं मेरे बहुत सारी चीज़ें आएंगी, ये आप देख सकते हैं। अब मुझे नेक्स्ट क्या करना होता था, मैंने आपको फिर से बताया था, थोड़ा सा याद करने की आपको कोशिश करनी है मैंने क्या बताया था। तो जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा रॉस्को चलने के बाद मैंने दूसरा करना होता, हमें उस वर्क स्पेस में जाना होता था जिसमें हमें काम करना है, जिसका मैं हमारे नोट डाला हुआ रन कराना है, सॉरी CD, और मैं यहाँ पर राहू लिखूँगा और टैब दबा दूँगा तो मेरा आ गया। इसके बाद CD राहुल जो मैं यहाँ पर थोड़ी कैपिटल वो दबा दिया था, इसका कारण से वो हुआ नहीं। अब इसके बाद आपको इसके बाद क्या करना होता है, सोर्स टेबल सेटअप करना होता, सोर्स टेबल सेटअप डॉट बैश, ये मेरा सेटअप हो गया है। अब मुझे क्या करना होता है, रॉस रन लिखना होता था, पैकेज का नाम मेरा पैक था, मैंने ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूँ। अब यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का नाम क्या था, मैंने इवन ऑड रखा था, इवन ऑड जहाँ पे पब्लिश कर रहा था, तो इवन ऑड .py मैं ऑलरेडी फाइल को एक्जीक्यूटेबल बनाए हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर डेटा भी कुछ नहीं जा रहा है, पर मैं यहाँ डेटा भी दूंगा, पर उससे पहले मैं एक सब्सक्राइबर नोट चलाना चाहता हूँ, तो इसको मैं जो मेरा इवेंट वाला ऑर्डर है इसको मैं एक मूव टर्मिनल मैं इसको कराऊँगा, यहाँ पर मैं इसको कराऊँगा अलग से डिटैच करूँगा, टर्मिनल को डिटैच कर लूँगा, और ये मैं टर्मिनल आपको साथ में दिखाना चाह रहा हूँ, तो इस चीज़ को मैं डिटैच नहीं करूँगा, इस चीज़ को डिटैच करूँगा, हाँ ये डिटैच हो गया है। अब मैं इसको एक साइड स्क्रीन में रखूँगा जिससे आपको एक साथ में दोनों चीज़ों को दिखा सकूँ साथ में, और मैंने यहाँ पे इसको भी डिटैच किया, इसको यहाँ पे रखा, और यहाँ पे मैं इसको सोर्स टेबल सेटअप करूँगा, इसको थोड़ा सा स्क्रीन बड़ी कर दे रहा हूँ जिससे आपको चीज़ें दिख सकें, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने स्क्रीन बड़ी कर रहा हूँ, और ये आपको जिससे आपको एक साथ पहला में दिखा सकता हूँ, वैसे काम होगा बट मुझे पहला में चीज़ें दिखानी है, डेट्स वाई मैं इस चीज़ को थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, वन सेकेंड, हाँ अब आप देख सकते हैं ये हो चुका है। मैं यहाँ पे सो सेटल पहले करूँगा, मैंने बताया था ऑलरेडी SOURCDVL setup.bash, ठीक है अब मेरा ये हो चुका। अब मुझे रॉस रन करना होगा, रॉस रन पैकेज नेम मेरा पैकेज था इवन और इवन ऑड डॉट पी वाई, पर यहाँ पर 1 लिखूँगा क्योंकि मैं दूसरे प्रोग्राम का नाम इवन डॉट 1, और मेरा दोनों हो चुका। अब यहाँ से मैं एक नंबर दूंगा, वो बताएगा चेक करके कि नंबर इवन है या ऑड है, यहाँ पर साथ में आपको देखते जाना है,
9 आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉग इन इन्फो लिखा था, तो इन्फो साथ में आई हुई है, यहाँ पर चेक कर सकते हैं 9 नंबर ये जो ऑड आया और साथ में यहाँ पे इन्फो आ रही है। अब मैं दूसरा नंबर दिया 5 6, देख सकते हैं यहाँ प्रिंट आया नंबर इवन, तो आपका सक्सेसफुली पहला इवन ऑड का प्रोग्राम रन हो चुका है। अब आप साथ में बनाइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू।